हम वीपीएन पढ़ रहे थे, ठीक है। ये थ्योरेटिकली हम पढ़ चुके थे, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे, जो चीज़ फिर है वो प्रैक्टिकल दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि रिमोट एक्सेस वीपीएन, रिमोट एक्सेस वीपीएन में वो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट बेसिक क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन यूजिंग एएसडीएम, कि एएसडीएम की थ्रू आप जो है बेसिक क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन कन्फिगर कर दो। तो हम पढ़ चुके थे कि रिमोट एक्सेस वीपीएन दो टाइप का होता है, एक क्लाइंट लेस जिसमें सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है इंस्टॉलेशन की, और एक एनी कनेक्ट के नाम से है जिसमें हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, सही है। तो क्लाइंट लेस जो है वो एसएसएल को यूज करके वेब ब्राउजर के थ्रू कनेक्ट होता है, हर ब्राउजर में जो टीएलएस होता है एसएसएल को उसके थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, ये हम कर चुके थे कि टाइप ऑफ वीएन रिमोट वीपीएन जो हम कह रहे थे कि इसके फिर दो टाइप है। तो चलते हैं अपने टोपोलॉजी की तरफ एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मैंने क्या किया, एक ऐसे फायरवॉल लिया है जिसकी E0 इंटरफेस पे जो है इंटरनेट कनेक्टेड है, और इंटरनेट के साथ कहीं भी घर में या किसी ऑफिस, किसी दूसरे ऑफिस में या रिमोट किसी भी जगह से दो तीन बंदे कनेक्टेड होना चाहते हैं, इस केस में कुछ भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है और 200 भी हो सकती है, मैंने सिर्फ दो लिए हैं। आउटसाइड मेरा नेटवर्क 111 नेटवर्क है, जो रिमोट पीसी है उसको हम 10 असाइन करेंगे, या रिमोट जो दूसरा पीसी है उसको कुछ भी असाइन कर लेंगे, ठीक है। और जो इधर ऐसे फायरवॉल है जो इसके दो इंटरफेसेस है, E0 जो है शो इंटरफेस है, नहीं शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, हाँ, तो इसका जो E0/0 है वो 111 है और ये अप है, और अगर हम शो आईपी कर दें तो शो आईपी से ये हमें बता रहा है कि जो E/0 है वो आउटसाइड का है और 11 और इसका सबनेट मास्क ये है, इनसाइड का हमारे पास ये है 192.168.0.1, ठीक है। इसके बाद अगर हम इधर शो कर दे शो नेम एफ, तो ये मुझे बता रहा है कि आउटसाइड है और एक इनसाइड है, 0 जो है वो आउटसाइड का और ये इनसाइड का है, ठीक है। अब ये एसडीएम के थ्रू है, एसडीएम भी हम पढ़ चुके हैं कि एसडीएम जो है वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम ऐसे फायरवॉल को ग्राफिकली एक्सेस कर लेते हैं। जब ग्राफिकली हम इसको एक्सेस कर लेते हैं तो इसमें सारी चीजें हम ग्राफिकली कर सकते हैं अगर हम चाहे तो, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर लाजमी होता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के लिए हमने वो स्टेप्स पढ़े थे कि किस तरह वो सॉफ्टवेयर जो है आप वो इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या रिक्वायर होता है, शायद मैंने इस नोट्स में भी था, ASDM, ये है ASDM, एडाप्टिव सिक्योरिटी डिवाइस मैनेजर, ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसके थ्रू हम फायरवॉल को एक्सेस करके सारी चीजें क्विकली कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटर ट्रबल शूटिंग ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन इसको इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए HTTPS पहले इनेबल करना पड़ता है, जो कि B हम कर चुके थे। तो अगर मैं शो रनिंग HTTP कर दूं तो ये कह रहे कि HTTP इस एनेबल, और HTTP सब लोगों के लिए एनेबल है जो इनसाइड से आ रहे हो, सबके लिए या स्पेसिफिक लेयर के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए एक यूजर चाहिए, तो अगर मैं शो रनिंग यूजर नेम कर दूं तो यूजर नेम एडमन और पासवर्ड 123, और एक यूजर नेम वाली है 123। दूसरा हमें इमेज चाहिए ASDM का ताकि हम इंस्टॉल कर सके, तो अगर मैं शो फ्लैश कर दूं तो फ्लैश में ASDM हमने ऑलरेडी ये भी किया था ये स्टेप, तो ASDM मैंने ऑलरेडी इसमें अपलोड किया है, ठीक है, तो वो भी है, इवन एनी कनेक्ट भी है जो कि नेक्स्ट लेब में हम यूज करेंगे, तो ये भी अवेलेबल है, इट मीन्स सब कुछ रेडी है। अब इनसाइड से मैंने अलाउड किया, तो इनसाइड में मेरे दो पीसी है, एक ये है जो कि GNS का एक इमेज है और GNS का एक सिस्टम है, इसके थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन मैं अपना सिस्टम यूज करूंगा, इधर थोड़ा सा ग्राफिक जो है वो अच्छे नहीं होते, अदरवाइज आप इधर से भी यूज कर सकते हो। GNS में आप ये फैसिलिटीज डाल दी है कि आपको अगर वेब बेस्ड इमेजेस चाहिए, मीन्स सिस्टम चाहिए, तो वो भी कर सकते हो,
इवन इसमें फ्री कॉन्फ़िगर एसडीएम भी होता है, तो अगर मैं इसको ओपन कर दूँ और अगर आपको प्रैक्टिकल करना हो तो इससे भी कर सकते हो। यह जाके एप्लीकेशन एसडीएम लॉन्चर, तो इसमें खुद भी एसडीएम है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये काम जो है अपनी पीसी से करना चाहता हूँ ताकि क्विकली हो। ठीक है, ये एसडीएम ओपन हो गया। इधर हमने इसकी आईपी टाइप करनी है, जो इसकी इनसाइट की आईपी है, तो इनसाइट की आईपी इसकी ये है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको अलाउड किया है सिर्फ इनसाइट के लिए, तो ये आईपी टाइप करके इसको ओके कर दो। ठीक है, तो अब इसको इस तरह ये इसमें सर ये हेलो सर, हाँ ये जैसे अपन DNS में ASDM डालने के बाद कौन सा भी PC लिए तो उसके अंदर ये ASDM रहता, ये ऑटोमेटिकली रहता है, ये बाय डिफॉल्ट है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये बना ही स्पेशल पर्पस के लिए, क्योंकि DNS को लोग अपडेट करते जा रहे हैं ना, ये तो पूरी कम्युनिटी है। हाँ। तो मैं वैसे शो तो सर ये कौन से वर्जन में सर ये मैं इस एप्लीकेशन जो है ये मैं अभी बता देता हूँ कि ये है डॉकर, जो कि डॉक्टर ये डॉकर ये वाला है। अगर इस पे क्लिक करके ये मेरे ख्याल में इस दो में से मैंने एक उठाया है, ये वेब टर्म के नाम से है। अच्छा, तो अब इसको इंस्टॉल करके इसमें खुद ब खुद ये होता है। ठीक है, मैं वैसे शो कर रहा हूँ, मैं बाकी लैब इधर से करूंगा क्योंकि इधर से स्लो होता है। तो मैं इसको क्लोज करके अब मैं भी इनसाइड से कनेक्टेड हूँ, मेरे ये पीसी को मैंने आईपी असाइन की है और लूप बैक से कनेक्टेड हूँ, तो मैं अपना लूप बैक चेक करके 0.1 से कोई आईपी है या नहीं है, तो चेंज अडैप्टर सेटिंग पे क्लिक करके। ठीक है, ताकि मैंने रूप लूप बैक को वही आईपी असाइन की है उस रेंज से कि नहीं है, होपफुली की होगी, लेकिन वैसे डबल चेक कर रहा हूँ। तो लूप बैक पे क्लिक करके डिटेल, तो मेरे 192.168.0.1 तो इधर होगा 0.3 मैंने असाइन की है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, तो 0.38 means मैं इस इंटरफेस को जिसकी आईपी 192.168.0.1 है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ कोई भी ब्राउजर ओपन करके उसमें ये आईपी लिख दूंगा और इधर से एसडीएम डाउनलोड कर दूंगा, लेकिन वो स्किप भी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो https 192.168.0.1, ठीक है, ये इधर आके आपको ये वार्निंग देगा सर्टिफिकेट का, इसको एडवांस कर दो, एड एक्सेप्शनल कर दो, ये कॉन्फ़िगर और इधर से एसडीएम डाउनलोड कर दो। ये यूजर नेम हमने एडमिन और 123 उधर कॉन्फ़िगर किया है, लेकिन मेरे पास ये एसडीएम ऑलरेडी है तो मैं डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये है एसडीएम लॉन्चर, एक दफा डाउनलोड कर दो, बार बार जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी हम कर चुके हैं, लेकिन मैं वैसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद दिला सकूं। अब आते हैं अपने एक्चुअल लैब की तरफ के रिमोट SSL VPN SDM के थ्रू हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं सबसे पहले SDM को ओपन कर दिया और इसमें IP लिख दी इनसाइट की और यूजर नेम हमने कॉन्फ़िगर किया था एडमिन पासवर्ड 123 और इसको ओके कर दिया। ये पासवर्ड मैंने अभी आपको दिखा दिया कि इधर हमने कॉन्फ़िगर किया था, इसको कंटिन्यू कर दो। ठीक है, इधर था यूजर नेम ये है। ठीक है, ये एक यूजर आपको बनाना पड़ता है, अगर आप उसको विदाउट यूजर भी कर सकते हो, इशू नहीं है, लेकिन नॉर्मली बना के हम एसडीएम ये ओपन हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि हम SSL VPN किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको लोड होने दो, इधर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे। मैं इसको क्लोज करता हूँ बुकमार्क को कि ऐसे जो है वो ऐसे नाम है, इसका वर्जन ये है, SDM का वर्जन ये है, राउटेड मोड में है, इतने टोटल फ्लैश मेमोरी है, सिंगल कॉन्टेक्स्ट में हमने अभी तक इसमें वो कुछ नहीं किया है, टोटल मेमोरी ये दो मिनट से अप है, इधर इंटरफेस शो करेंगे, इधर जो ट्रैफिक जा रहा है जो आ रहा है वो शो करेंगे, इधर अगर SSL VPN का कोई भी कनेक्टेड हो अभी हम करेंगे तो इधर आ जाएगा,
और अगर लॉगिंग इनेबल करने हो तो इस पे क्लिक करके लॉगिंग हम कर चुके थे कि किस तरह इनेबल करते हो, तो वो आ जाएंगे। ठीक है, ये फायरवॉल के मॉड्यूल्स है, अगर वो ऐड करने हैं इसमें और चीजें भी ऐड कर सकते हो। एनी हाउ आप चलते हैं विजिट पे। वीपीएन दो तरीकों से कर सकते हो, अपने सेपरेटली और इसमें वीपीएन विजिट भी दिया है। विजिट पे जाके इधर लिखा है एनी कनेक्ट और इधर लिखा है क्लाइंटलेस एसएसएल वीपीएन, और ये साइड टू साइड ये तीनों हम करेंगे। सबसे पहले क्लाइंटलेस कि जिसमें यूजलेस जॉबलेस जिसमें कोई जरूरत नहीं हो एप्लीकेशन की, तो क्लाइंटलेस एसएसएल वीपीएन पे क्लिक करके ये हमें दिया है कि ब्राउजर बेस, ये टोपोलॉजी भी मेंशन की हुई है कि इसमें लिख दो और एसएसएल गेटवे इससे कनेक्ट हो जाओ और जो आपके ऑफिस में जो डेटा है वो एक्सेस कर सकते हो थ्रू ब्राउजर। ठीक है, और इधर लिख का भी है सिक्योरिटी अपना एसएसएल इनेबल वेब ब्राउजर टू एक्सेस एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। ठीक है, ये आसानी है इसके लिए, इसको नेक्स्ट कर दो। ठीक है, इधर कुछ भी नाम दो, तो मैं इसको दे देता हूँ एबीसी एसएसएल, कुछ भी नाम दो। इंटरफेस क्योंकि ये बाहर से लोग आएंगे, इनसाइड के लिए तो वीपीएन की जरूरत ही नहीं है, तो मैं इधर से क्या कर लूंगा, मैंने आउटसाइड इंटरफेस चूज किया, दो इंटरफेसेस है। ठीक है, अगर आप मोर सिक्योर करना चाहते हो तो सर्टिफिकेट बना के हर यूजर सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेगा तो वो भी कर सकते हो, जो आप इधर से मैनेज करके सर्टिफिकेट ऐड कर दो सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन वो हम सर्टिफिकेट के थ्रू नहीं करना चाहते। इधर मुझे डिटेल दी कि अगर बाहर से लोग एक्सेस करेंगे तो वो ब्राउजर में ये लिख देंगे https111 SSL VPN के लिए, अगर उनको SDM ओपन करना है तो फिर एडमिन लिखना होगा। एनी हाउ ये पहला लिंक हम यूज करेंगे, इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। पूछ रहा है कि कौन यूजर लॉगिन होंगे SSL VPN से, वो किस तरह ऑथेंटिकेट होंगे, ट्रिपल ए यूज करेंगे, ट्रिपल ए हम पढ़ चुके थे, अगर वो अटैच करना है तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने कहा नहीं फिलहाल लोकल डेटाबेस, लोकल डेटाबेस में मैंने दो यूजर बनाए हैं, अगर जितने आपको बनाने हैं वो लोकल इधर बना सकते हो या उधर भी बना सकते हो। कमांड होता है यूजर नेम, सपोज मैंने खान और इसका पासवर्ड 123 सेट कर दिया। ठीक है, तो ये अगर मैं बैक कर दूं दोबारा आओ तो इधर खान भी ऑटोमेटिकली ऐड हो गया होगा या रिफ्रेश करना होगा। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं वो लोकल डेटाबेस में यूज करना चाहता हूँ, दो की दो यूजर है, ये NFA टेस्ट पर्पस के लिए, नेक्स्ट कर दिया। कि ग्रुप पॉलिसी का कुछ भी नाम दो जो हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है एबीसी पॉलिसी, कुछ भी नाम दो जो आपको चाहिए या एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बने हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। बुकमार्क, बुकमार्क इसलिए होता है जब वो यूजर लॉगिन होगा तो उसको क्या नजर आना चाहिए, शॉर्टकट जो कि हम ब्राउजर में भी यूज करते हैं, तो मैनेज करके इधर से बना भी सकते हो। मैंने कहा बुकमार्क बनाना चाहता हूं एबीसी बुकमार्क के नाम से। ठीक है, ऐड कर दिया। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि गेट पोस्ट के नाम से होगा जो एचटीटीपीएस यूज करता है, और लिंक मैंने सपोज दिया कि मेरा एक वेब ब्राउजर है, वेब सर्वर है जिसके आईपी 192.168.0.20 है, एक एफटीपी है जिसकी 30 है, तो बुकमार्क टाइटल मैं देता हूँ एफटीपी, और इधर से मैंने कहा एफटीपी और इधर लिख दिया 192.168.0.30, तो ये उसके लिए शॉर्टकट आसानी से नजर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम बनाते हैं, अदरवाइज वो डायरेक्ट भी जा सकते हैं एक बुकमार्क, अगर दूसरा इस तरह बनाना है तो एक एचटीटीपी का भी बना देते हैं एबीसी वेब सर्वर। ठीक है, और जो वेब सर्वर है उसके 192.168.0.20 आईपी है, ये 20 वाला सर्वर है इनसाइड में, अगर ये पड़े हैं और आप चाहते हो कि उनको शॉर्टकट मिल जाए, ये ओके कर दिया, ये इधर आ गया एबीसी बुकमार्क, इनमें इनसाइड हमने दो और बना दिए, नेक्स्ट कर दो। ये आपको लास्ट फाइनली बता रहा है कि क्लाइंटलेस एसएसएल वीपीएन है, नाम इसका ये है, आउटसाइड इंटरफेस पे है, ऑथेंटिकेशन लोकल होगा, ग्रुप पॉलिसी होगी और बुकमार्क ये होगा, और फिनिश कर दो। ये कमांड आपको नजर आएगी, अगर आपने कमांड बेस पे करना है तो वीपीएन वीपीएन और ये सारी चीजें हमें लिखने पड़ते हो या इधर से कॉपी करके उधर भी कर सकते हो,
या इधर से सेव एस भी कर सकते हो और सेंड कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे। एसडीएम ने ये हेल्प कर दिया, हमें ग्राफिकल एनवायरनमेंट दे के पुश कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन पे जाके रिमोट एक्सेस वीपीएन पे क्लिक करके, ठीक है, और इधर से जो हमारे बुकमार्क है और ये चेक करें, ये क्लाइंटलेस एसएसएल वीपीएन पे, ठीक है, तो ये हमने आउटसाइड पे एनेबल किया। अगर सेपरेटली करना हो तो इधर आना पड़ता है, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, फिर रिमोट एक्सेस वीपीएन, फिर क्लाइंटलेस एसएसएल वीपीएन। पहले हम प्रोफाइल बनाते हैं जो कि हमने एबीसी के नाम से विजेट में बना दिया और लोकल डेटाबेस दिया और आउटसाइड इंटरफेस पे अप्लाई कर दिया। दूसरा हमने बुकमार्क बना दिए, ये वो बुकमार्क है जो इधर आ गए, एबीसी के नाम से हमने बुकमार्क बना दिए। अगर आप इसको एडिट करके चेक कर दो तो एक एफटीपी का बनाया और एक ये बनाया है, ठीक है। तो ये बुकमार्क भी हम इधर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ये करके या इधर भी ऐड करके ये वही आएगा जो हमने अभी बनाए थे, ठीक है। अगला काम हमने क्या किया, जो इधर बनाना चाहता हूँ, बाकी चीजें ये जो विजिट में थे वो यही चीजें थे, एक और चीज था वो शो करना था, इन्होंने ये, तो ये इधर से भी कर सकते हो। अगर मैं इधर आता तो सबसे पहले इधर ऐड करके ग्रुप पॉलिसी बनाता, फिर इधर से इंटरफेस अप्लाई करता, फिर बुकमार्क क्रिएट करता और सेव करता, वो काम विजिट ने खुद कर दिया। अब आते हैं कि हम किस तरह इसको एक्सेस करेंगे। तो ये हमारी टोपोलॉजी है, इधर एफटीपी है और ये हमारा वेब सर्वर है 30 और 20, ये रिमोट क्लाइंट है। रिमोट क्लाइंट क्या करेगा, तो ये विंडोज 7 का है जो मैंने इधर अटैच किया है, तो मैं विंडोज 7 पे जाके इसको उसी रेंज से एक आईपी असाइन कर लेता हूँ। अब डीएचसीपी भी यूज कर सकते हो, वो मसला नहीं है। सबसे पहले मैं इसके इंटरफेस पे जाके 1 के रेंज से इसको कोई आईपी असाइन कर लेता हूँ, शायद मैंने असाइन भी की हो लेकिन डबल चेक करना है। तो प्रॉपर्टीज में जाके और ये जो है ये 255 और ये भी 2, क्योंकि हम 24 सबनेट को यूज कर रहे हैं। तो ये ओके कर दिया, ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। इसकी आईपी दोबारा चेक करनी है तो 20 है, तो इससे बाहर के एक दो पी से पहले पिंग कर लेते हैं। ये 10 और 1 ये बाहर वाला इंटरफेस है कि काम कर रहा है कि नहीं। तो इधर आके सीएमडी, ये इसकी अपनी आईपी है, आईपी कन्फिग पिंग 1.1.1.1, तो 111 पिंग हो रहा है, ठीक है। और 10 जो दूसरा सिस्टम है, इधर मैं इधर लिख देता हूँ, इसको हमने 20 आईपी असाइन कर दी। ये दो सिस्टम है बाहर के लिए, दोनों से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर से ताकि आपको और एजी हो। अब जब वीपीएन में चेक करूंगा तो मैंने क्या करना है, इधर से कोई भी ब्राउजर ओपन करके और अपने हेड ऑफिस को अगर वीपीएन टनल बनाना है थ्रू ब्राउजर, ठीक है। अब ये इधर से अपडेट कर रहा है, तो मैं दूसरा ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। आपने सिर्फ आईपी लिखनी है, इसको हॉस्ट नेम भी दे सकते हो, ठीक है। जो हमारे कंपनी का है वो वीपीएन डॉट और फिर कंपनी का नाम है और इस तरह, तो इधर भी वो दे सकते हो, लेकिन क्योंकि हम लैब कर रहे हैं सिर्फ आपको बता रहे हैं, अदरवाइज एज अ नेम भी पॉसिबल है। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम अगर आपका वेबसाइट और सब कुछ है डीएनएस, ठीक है। तो मैं ब्राउजर ओपन करके इधर ये थोड़ा सा ब्राउजर टाइम ले रहा है, ये आ गया, ठीक है। इधर मैं लिख दूंगा https क्योंकि विंडोज एक्सपी का सिस्टम सही नहीं चलता, तो इस वजह से मैंने 7 कोट आया, वो थोड़ा सा प्रोसेस इनको हाई रिक्वायर होता है। तो ये हो गया, इधर मैं लिख दूंगा
1.1.1.1, ठीक है, और इस पे क्लिक कर दूंगा। अगर हमारा VPN सही कॉन्फ़िगर है, SSL बेस, ये इधर SSL को यूज कर रहा है, HTTPS एज अ SSL को यूज करके डेटा एनक्रिप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इधर हमारा जो है वो ओपन हो जाएगा SSL VPN। ये आपको आएगा सर्टिफिकेट का एरर, इसको एडवांस कर दिया और इसको प्रोसीड कर दिया। ये आ गया SSL VPN सर्विसेज, ठीक है। इधर हम यूजर नेम जो हमने डिजाइन किया था, एडमिन है या दूसरा यूजर भी है, 123, ठीक है। ये SSL VPN हमारे पास आ गया, लेकिन वो बुकमार्क नजर नहीं आ रहे सही, तो इसको जोड़ देते हैं उधर बुकमार्क। बुकमार्क से क्या होता है, या इधर सर्वर लग सकते हो, मेरे दो सर्वर है, 192.168.0.0, ठीक है, एक FTP है, एक वेब सर्वर है, तो 20 को इधर लिख देता हूं। अगर आपने रिमोटली अपने सर्वर को एक्सेस करना है SSL से, तो इधर लिख के 20, लेकिन ये ब्राउजर बेस है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है, इधर आपको कुछ इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो ब्राउजर ओपन हो जाएगा, उधर ये था वेलकम, वेलकम टू वेब ब्राउजर ओपन हो गया, ठीक है, तो वेब ब्राउजर ओपन हो गया, लेकिन हमारे पास FTP भी है। अब मैं अपने लोकल वेब सर्वर को अपने VPN के थ्रू एक्सेस कर रहा हूं, अगर डायरेक्ट कोई इसको एक्सेस करेगा VPN कनेक्ट किए बगैर, तो वो उधर पहुंचेगा नहीं, ये SSL का पैदा और एनक्रिप्टेड डेटा भी जाता है। दूसरा जो हमारा था वो FTP था, 192.168.0.30 है, आई थिंक सो, ये FTP सर्वर। मैंने दो सर्विसेज उठाए, नॉर्मली सर्वर पड़े होते हैं, लोग उनको एक्सेस करते हैं रिसोर्सेज को, तो क्या IP थी 30, तो 30 पे आके मैंने इसको ब्राउजर कर दी, ब्राउज कर दिया, ये FTP आ गया, FTP सर्वर ओपन हो गया। ये थोड़े से GNS के बनाए गए हैं, FTP सर्वर है और वेब सर्वर है, छोटे छोटे हैं, तो इसको इस वजह से मैंने इधर डाले हैं। इसका बाय द वे पासवर्ड भी पूछते हैं, लेकिन पासवर्ड नहीं पूछा ये था, तो मैं FTP भी मैंने एक्सेस कर दिया, तो अगर रिसोर्सेज है इनसाइड तो एक्सेस कर सकता हो। लेकिन एक इशू है, ये दो मुझे वो एप्लीकेशन इधर नजर नहीं आए, दो ब्राउज नेटवर्क नहीं आ रहे इधर। आपको जब आप होम पे जाओगे तो आपको शॉर्टकट नजर आनी चाहिए, वो जो हमने बुकमार्क बनाए थे शॉर्टकट, अदरवाइज मैं इधर लिख दूंगा IP, तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो मैं जाता हूँ SDM पे कि ये बुकमार्क क्यों नहीं आए, तो मैं इसको एडिट करके, ठीक है, और एडिट इधर थी सो सही है, लेकिन जो यूजर है VPN के, शायद ये उनसे अटैच नहीं है, तो जाके लोकल यूजर एडमिन, और मैं इसको एडिट करके, और इधर VPN पॉलिसी क्लाइंटलेस SSL VPN हमने कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, और इधर कस्टमाइजेशन, ये मैं इधर से चेक कर लेता हूँ कि इनको ये पॉलिसीज क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, जो कि इधर आना चाहिए था, एक जगह और भी होते, मैंने उधर सिर्फ चेक करने हैं। बाय द वे वो आने चाहिए SSL VPN में, जब आप चाहते हो, ये है बुकमार्क, ठीक है, कि बुकमार्क लेस ABC को आने दो, वो बाय द वे वो ऑन होते हैं, डोंट नो, तो मैंने इधर से ऑन कर दी कि जब भी ये यूजर लॉगिन हो, इसको ABC बुकमार्क शो कर दो, इसको अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो और सेंड कर दो। अब मैं अगर दोबारा अपने क्लाइंट पे जाके इसको रिफ्रेश कर दूं, तो इसको वो बुकमार्क नजर आनी चाहिए, तो इसको टाइप करने की जरूरत नहीं होगी, इसको लॉग आउट करके दोबारा कर लेता हूँ, और लॉग इन दोबारा, एडमिन पासवर्ड 123, ठीक है,
तो अगर वो अप्लाई हुए है तो इसको आने चाहिए जो कि हाँ वो अब आ गए। अब मुझे बुकमार्क नजर आ रहे हैं, तो ये बुकमार्क का फायदा होता है, ये वेब सर्वर है क्लिक कर दो डायरेक्ट वेब सर्वर पे चले गए, उधर टाइप करके और दोबारा इधर आना वो मुश्किल था, ठीक है। अब दूसरा हमने FTP कॉन्फ़िगर किया था इसके लिए बुकमार्क, तो बुकमार्क का ये फायदा होता है FTP पे क्लिक कर दो तो ये डायरेक्ट आपको FTP पे ले गया, ये FTP ओपन हो रहा है। अच्छा FTP पे मैंने ऑथेंटिकेशन लगाई है, ये तो FTP का यूजर नेम रूट और पासवर्ड GNS3 है, तो रूट ये हर सर्वर का फिर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड है अगर वो इधर एंटर होना चाहते हैं, तो अब FTP सर्वर भी ओपन हो गया ये है। अब इधर अगर कोई फाइल रखना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो अपने सिस्टम से ड्रैग करके इधर रख दो, आपका सारा डेटा जो है ये टनल के थ्रू है। अदरवाइज FTP जो है ये सिक्योर नहीं है, लेकिन SSL VPN आपका डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में ले जाएगा। तो अगर इवन आप टेलनेट के इधर इनसाइड यूज ना करो, वो कोई हैक नहीं कर सकता, मीन्स मैं आपको वो रियलिटी बता रहा हूँ। तो इसके लिए लेकिन लिमिटेशन इसकी क्या है कि मैं बाकी जो मेरा फुल सिस्टम है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये अनइनक्रिप्टेड है, सिर्फ जो मैं कुछ कर रहा हूँ वो इन ब्राउजर की इनसाइड जो है वो इनक्रिप्टेड जा रहा है, मेरा VPN इस ब्राउजर की इधर से सिर्फ सब कुछ इनक्रिप्टेड है और मेरा VPN टनल बना है, इधर से बाहर निकल के मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अनइनक्रिप्टेड होगा, मींस वैसे कह रहा हूँ, तो ऑफिस नहीं जाएगा हेड ऑफिस, या हेड ऑफिस तो ये चीजें सिर्फ जा रहे हैं। तो ये था SSL VPN, ठीक है, जिसके लिए हमने ये सारे स्टेप फॉलो कर दिए। अब आते हैं जो दूसरा, ये तो था SSL क्लाइंटलेस, इसका फायदा ये था कि एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, अपना सिस्टम जो है वो सिर्फ आपके पास ब्राउजर होना चाहिए, और अगर आपने उस वेब सर्वर FTP सर्वर जो चीजें है करने हैं सिर्फ ब्राउजर ओपन कर दो, उसमें IP टाइप कर दो अपने उसकी और पिंग करके बाकी सब कुछ करते जाओ, और ये इसकी स्टेप थे। अब आते हैं दूसरा मेथड जो कि एनी कनेक्ट के थ्रू होता है, जो कि क्लाइंट बेस होता है, ये क्लाइंट लेस था, वेरिफिकेशन हमने कर दी और उससे भी चेक कर सकते हो, इधर से भी हमने चेक किया, शू VPN सेशन DB Web VPN, तो यह कमांड अगर आप इसमें टाइप कर दो तो इधर से भी आप चेक कर सकते हो कि कौन कनेक्टेड है। अच्छा इधर आके भी चेक कर सकते हैं, अगर आप हम होम पे जाके, ठीक है, तो इधर आपके पास, अच्छा ये IPsec के लिए क्लाइंट लेस कनेक्ट नहीं है, शायद मैंने डिसकनेक्ट कर दिया है, बल्कि ये कनेक्टेड है, हाँ ये आ गया। तो क्लाइंट लेस SSL VPN एक बंदा कनेक्टेड है, इधर आपको सेशन भी आ रहा था वो डिसकनेक्ट था तो मैंने कनेक्ट कर दिया, ये है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हो कि VPN के थ्रू कौन कनेक्टेड है, तो आप इधर से भी वेरीफाई कर सकते हो, डिटेल भी चेक करके, या मॉनिटरिंग पे जाके इधर आपके पास VPN और ये लिखा है कि क्लाइंट लेस VPN एक बंदा इतने पैकेट सेंड कर रहा है, कुछ अगर वो करना चाहते हैं तो वो इधर आपको नजर आएगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करके ताकि कोई डाटा सेंड करे, ये दो दो पैकेट इस तरह हो गए और ये ब्राउजर बेस आ रहा है, ठीक है, तो इधर से वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप इधर से करना चाहते हो तो इधर भी ये शो VPN वेब VPN लिख के वो आपका सेशन आपको पास आएगा और उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये था, अब जाते हैं दूसरा, ये शो VPN सेशन डेटाबेस, तो वो आपको शो कर देंगे। अब आते हैं एनी कनेक्ट वाला जो कि क्लाइंट बेस है। अब जो स्टेप मैंने किए ये सारे स्टेप हमने दोबारा करने हैं, लेकिन मसला क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए कि हम इधर से पूरे नेटवर्क को एनक्रिप्टेड करना चाहते हैं, पूरे सिस्टम को, लेकिन हमें एप्लीकेशन चाहिए होगा। अब वो एप्लीकेशन दो तरीकों से आप यूजर को दे सकते हो, ये रिमोट यूजर है, या उसको प्री डिफाइंड इंस्टॉल कर दो, ये है सेटअप पे क्लिक करके सिस्को एनी कनेक्ट जो है वो इंस्टॉल करके दो। अगर आपका ऑलरेडी एक यूजर है
कि यार पीसी अपना ले आते ताकि मैं इसको एनी कनेक्ट इंस्टॉल करके दे दूं। इसमें से वीपीएन चूज कर दो, अगर आप आइस वगैरह यूज करना चाहते हो तो पोस्चर का भी ऑन कर सकते हो, बाकी चीजें वेब सिक्योरिटी वाला बहुत सी चीजें इसमें होते हैं जो रिक्वायर है वो सिस्को एनी कनेक्ट है, तो ये इंस्टॉल करके दो। अगर आपका यूजर ऐसा है कि दूसरी कंट्री में है और आप क्लिक कर रहे हो और आप उनको कह दो कि ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो, लिंक दो, नहीं कर सकते तो हम इधर भी डाल सकते हैं। वही स्टेप है, सबसे पहले यूजर बनाने हैं, यूजर हमने ऑलरेडी क्रिएट की है, शो नेम एफ इनसाइड आउटसाइड भी है, शो एच टी टी पी शो रनिंग एच टी टी पी ऑन करना है, वो भी हम ऑन कर चुके हैं। किसके लिए? इनसाइड के लिए, ताकि हम एस डी एम के थ्रू एंटर हो जाए, यूजर भी ऑलरेडी है ताकि एस डी एम को हम रन कर सके, ठीक है। तो शो रनिंग यूजर नेम तो वो भी है, तीन यूजर हमने बना दी है, तीन चीजें हो गई, वो इशू रह गया। हाँ, एप्लीकेशन डी आई आर कर दो या शो फ्लैश कर दो, तो एस डी एम तो चाहिए ताकि एस डी एम के थ्रू हम कनेक्ट हो सके, लेकिन हमें एनी कनेक्ट का सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ये लिनक्स का है और ये विंडो का है। अगर वो यूजर इधर से डाउनलोड करना चाहता है तो दो मेथड है। एनीवे अब चलते हैं, ये सारी चीजें एसडीएम को ओपन कर दो, विजिट पे आके वीपीएन विजिट पे आके इधर कर दो, इस दफा एनी कनेक्ट वीपीएन विजिट। ये अब आ रहा है कि इधर ये उसकी तरह शो नहीं करे कि वेब बेस है, इधर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और ये हमारा ये फायरवॉल है। नेक्स्ट कर दो, इसका कुछ भी नाम दो, ठीक है, एक्स वाई जेड वीपीएन हमने नाम दिया। आउटसाइड इंटरफेस पे, क्योंकि आउटसाइड से लोग आएंगे, यहाँ हमने एसएसएल बेस करना है, आईपीसेक को अनचेक कर दो, अगर सर्टिफिकेट बेस चाहिए तो सर्टिफिकेट कर दो, नेक्स्ट कर दो। अब ये मुझे चाह रहा है कि क्लाइंट का इमेज चाहिए, ठीक है, तो वो क्लाइंट का इमेज इधर अपलोड करना होगा, तो आप इधर से इस पे क्लिक करके, क्योंकि हमने फ्लैश में ऑलरेडी डाला है तो मैं फ्लैश में जाता हूँ, और ये एनी कनेक्ट का विंडो वाला है, ये मैक का है और ये लिनक्स का है, ये चारों रखते हैं लोग अक्सर। अगर नहीं होता तो मैं इधर से अपलोड भी कर सकता था अपने सिस्टम से, ब्राउज कर दो, ठीक है, और मेरे सिस्टम में जिधर पड़ा है उधर से भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी इधर मैंने ऑलरेडी डाला था कॉपी करके टीएफटीपी के थ्रू, ठीक है, और इसको ओके कर दिया, ये इधर आ गया, ये काम भी हो गया। ये क्यों चाहिए ये मैंने आपको बता दिया था कि वो टनल हमारे साथ बनाए एप्लीकेशन के थ्रू। अगेन ये पूछ रहा है कि ऑथेंटिकेशन मेथड क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि लोकल होगा, इधर से आप लोकल ही है, ठीक है, तो एडमिन है और एक अली एक यूजर नेम है, ठीक है। वो तीसरा इसलिए इशू नहीं कर रहा है कि वो हमने सेव नहीं किया था, इसको नेक्स्ट कर दो, ठीक है। अब इधर आ रहा है कि उस जो लोग कनेक्ट होंगे उनको आईपी रेंज कौन सी देंगे आप, तो ऑलरेडी हमने नहीं बनाया तो हम नया बना देते हैं, के वी पी एन यूजर कुछ भी नाम दे सकते हो, कि वी पी एन यूजर है और उसको स्टार्ट आईपी कुछ भी देना चाहते हो, सपोज मैं उसी वन रेंज से कुछ भी रेंज दे सकते हो कि 100 रेंज से लेके 1.1.1.200 तक आईपी दो और सबनेट मास्क 3 टाइम दो, ठीक है, ये रेंज उनको मिलेगा कनेक्टिविटी के लिए, सही है, या कुछ और रेंज भी देना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, वो इशू नहीं है। मैंने ओके कर दिया, मैंने इसमें गलत लिख दिया, ये 200 है, ओके कर दिया, ठीक है। तो ये पूल भी बन गया, जो कि यूजर कनेक्ट होंगे उनको ऑटोमेटिकली वीपीएन टनल के लिए ये पूल से आईपी देंगे। अगर आपने डीएनएस देना है, अगर सपोज वेब के थ्रू भी एक्सेस करना है या डोमेन नेम, तो वो भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते, एग्जाम करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन हमने नेट नहीं किया है तो छोड़ देते हैं। अदरवाइज अगर करता और आप एग्जेम्प्ट करना चाहते हो कि नहीं करो इसकी ट्रांसलेशन, क्योंकि वीपीएन के हम नॉर्मल नहीं करते, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, इधर से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, ये पूरी डिटेल आ गए, ठीक है,
पूरा सब कुछ और इसको फिनिश करके ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है और इसको सेंड कर दो राउटर के पास, ये फायरवॉल के पास। ये कमांड जब उधर जाएंगे तो इस पे एनी कनेक्ट भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। लेकिन एक मसला होगा, हमने वो डिलीट करना था, वो दूसरा वाला, चाहे कभी कभार वो इशू कर लेते हैं। एनी हाउ ये डिप्लाई हो गया, ये सिस्को का ये था, जो इससे पहले हमने किया वो क्लाइंट लेस था और ये क्लाइंट बेस है, ठीक है। तो ये इसके आउटसाइड पे है, ये इसकी पॉलिसीज है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ क्लाइंट पे कि क्लाइंट किस तरह इसको करेगा। क्लाइंट के पास चूंकि एप्लीकेशन नहीं है, सबसे पहले वो एप्लीकेशन उसको चाहिए, तो वो इधर लिखेगा https 1.1.1.1, ठीक है। इसको ये एडवांस और ये एड एक्सेप्शनल इसको कर देगा सर्टिफिकेट का एरर रिमूव करके, ये वो दूसरे पे जा रहा है। मैं यही कह रहा था मुझे ये वाला नहीं चाहिए, तो दूसरी पॉलिसी उठा रहा है एनी हाउ। तो SSL वाला मुझे नहीं चाहिए, इससे मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो ब्राउजर आ जाए, उससे आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये XYZ पॉलिसी। हेलो जी, हम ये सिस्को कनेक्ट का कर रहे हैं ना सर? ये सिर्फ हाँ सिस्को एनी कनेक्ट वाला कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो एप्लीकेशन इधर से मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दूँ, लेकिन वो दोनों VPN मैंने गलती से कॉन्फ़िगर की है, तो इससे बेहतर है कि मैं इधर ही इंस्टॉल कर दूँ। दोनों तरीके कर सकती हूँ मैं, इसलिए वो शो कर रहा था। तो मैं इस सेटअप पे क्लिक करके, आपके पास दो मेथड होते हैं, या मैनुअली उसके सिस्टम में इंस्टॉल कर दूँ, और या उधर डाल के जब वो ब्राउजर ओपन करेगा तो उसको आ जाएगा कि वो ये एनी कनेक्ट डाउनलोड कर दो। बल्कि हम इधर से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये क्लाइंट लेस जो था, ताकि आपको क्लियर हो जो मैं करना चाहता हूँ, ये क्लाइंट लेस VPN था, ठीक है। तो इसका ये ABC इसका था, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और इसके पोर्टर में बुकमार्क को भी नहीं चाहिए, वो कह रहा कि अटैच है पहले। तो क्लाइंट लेस SSL VPN मैं इस पे, ये क्लियर हो गया शायद, अब हमें मसला ना आए। तो अगर मैं दोबारा ब्राउजर में जाके, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो आपको एप्लीकेशन भी चाहिए ना ये वाला, इस वजह से मैं कह रहा था कि दो मेथड है, या तो प्री डिफाइन करके दो उस यूजर को जो आपकी रिमोट यूजर है जो लॉग इन होंगे, लेकिन अगर वो यूजर आप उनको नहीं दे सकते डायरेक्ट, तो फिर उसको वो ब्राउजर के थ्रू पहले डाउनलोड करेगा। ये स्टिल इधर आ रहा है, तो इधर से कर लेते, जब वो ये डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर देगा। ये पोस्टर मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो रिमूव करना था वो दूसरा। तब तक मैं जाता हूँ, अगर SSL VPN उसको टोटली ये भी अप्लाई कर दूं, ये खत्म हो गया। और जो क्लाइंट एनी कनेक्ट वाला था, इसको मैं कर दूं और इसकी पॉलिसी इनेबल कर दूं। अब अगर मैं दोबारा ट्राई कर दूं, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ एनी हाउ, लेकिन मैं इधर से चेक कर लेता हूँ एक दफा। मैंने सिर्फ ये कर दिया, दोनों मिक्स नहीं करने थे, तो आप कंफ्यूज थोड़ा सा हो गए। ये स्टिल ये SSL वाला मुझे शो कर रहा है, यानी उससे सिर्फ मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना ये था और इंस्टॉल करना था। अब मैं जब इस पे क्लिक कर दूंगा, ये हर रिमोट वाले जो सिस्टम्स है जो कनेक्ट होंगे हमारे हेड ऑफिस से, उनको ये एप्लीकेशन देना होगा, ठीक है। अब मैं जब इधर कनेक्ट होगा तो इधर मैं लिख दूंगा IP 1.1.1, या इसको नाम भी दे सकते हो, लेकिन हमारे केस में हम वो IP देंगे, और इधर कनेक्ट पे क्लिक करोगे। तो हम थोड़ी सी मिक्सिंग की है, तो अगर इशू आ रहा है तो मैं उसको रिमूव करके दोबारा करा के ये दे देता हूँ।
मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, इट मींस कि हमने उधर से सर हम आईपीस दिया ना सर 100 से 200 तक। हाँ नहीं, ये तो पहली कनेक्टिविटी के लिए है। अच्छा ये वार्निंग आ गया ये इस केस में, अदरवाइज ये नहीं आएगा कनेक्ट एनीवे, ठीक है। अब ये वो पॉलिसी है और एडमिन जो भी यूजर है 1, 2, 3 या और यूजर है उस पे ओके कर दो, ये एस्टेब्लिश वीपीएन सेशन बना देगा। ये अभी तो इस वजह से इसमें सिर्फ ये इशू है एनी कनेक्ट वाले में कि इसमें आपको ये एप्लीकेशन हर हाल में इंस्टॉल करना पड़ता है, ये लाजमी होता है। ये दोनों में डिफरेंस यही है। और दूसरा इसमें ये फायदा है कि ये आपका पूरा सिस्टम इनक्रिप्टेड करके आपका डेटा भेज देते हैं, जो कि वो सिर्फ उस ब्राउजर तक महदूद होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ वो चेक कर लेते हैं, शायद वो वर्जन होने वो थोड़ा सा इशू करे लेकिन हो जाएगा। ये अभी कनेक्ट हो पा रहा है तो इधर आपको ये कनेक्ट करके उसी रेंज से आईपी दे देंगे और आपका पूरा सिस्टम अब एक टनल बन जाएगा जो कि क्लाइंट से सर्वर से जाके मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह तो ये इसको थोड़ा सा वेट करके शायद आ जाए, अगर नहीं है तो उसको दोबारा उधर से कर लेते हैं। ये अभी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इससे पहले सिस्को का था वीपीएन क्लाइंट के नाम से, जो कि अब सल्यूट हो चुका है, उन्होंने फिर एनी कनेक्ट के नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके और से पैकेज है जो मैंने शो कर दिए। इवन जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आईएस के साथ उनका कनेक्टिविटी होते हैं, तो सबसे पहले आपके सिस्टम के अपडेट चेक कर लेते हैं, फिर आपके सिस्टम की विंडो सारी चीजें कि वायरस अप टू डेट है कि नहीं, जिसको हम पोस्टर कहते थे पोस्टर, तो वो करते हैं इसी ड्यूरेशन में, तो उसी सिस्टम और भी वो हो जाते हैं, ठीक है। इसमें ये भी खूबी, ये कनेक्ट हो गया। अब तो अगर मैं इधर जाके, अब मेरा पूरा डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं और इसकी डिटेल में जाके, ये मेरा टनल है 1100 मुझे आईपी दी, क्योंकि हमने 100 से स्टार्ट की थी। सर्वर की आईपी ये है, डेटा सेंड कर रहे हैं और सब कुछ ए टू जेड। ये पॉइंट याद रखना, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इधर 00 था ये क्या होता, ठीक है। पूरा ये मेरा सब कुछ जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं कुछ सेंड करूं वो ब्राउजर ओपन कर दूं, तो मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर सकता हूं, वो एफटीपी वाला, वो था 192.168.0.30, ये ब्राउजर भी ओपन हो गया, और दूसरा था एफटीपी 192.168.0.30, क्योंकि मेरा पूरा सिस्टम इस तरह हो गया जिस तरह लोकल, उसका यूजर नेम क्या था, रूट एनजीएनएस 3, रूट जीएनएस 3, ये एफटीपी भी एक्सेस हो गया। ये एफटीपी है अपने ऑर्गेनाइजेशन का और ये 0.3, इवन दो कि मेरी आईपी कुछ और है, इधर आपका इंटरनेट कुछ और आईपी देगा, ठीक है। बाय चांस ये 1120 है, लेकिन ये मेरा नहीं है असल, ये आपका कुछ भी हो सकता है। असल में ये मोबाइल ही क्लाइंट है, ये कनेक्टेड है, 1100 आपको मिले है, ये कनेक्ट हो जाएगा जब आप डिसकनेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैं इस ट्रैफिक को सेंड करके उधर वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं एसडीएम में जाके मॉनिटरिंग पे जाके, तो इधर ये लिखा है एनी कनेक्ट वाला क्लाइंट ये, और इसका पैकेट जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। वो क्लाइंट लेस वाला भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये है कि हमने उसके साथ ये हो गया। या अगर होम पे जाके इधर लिखा होगा, इससे पहले क्लाइंट लेस लिखा था, अब इधर एनी कनेक्ट वाला, और डिटेल भी आपको यही ले जाएगा। ये अब इधर ये शो कर रहा है, इससे पहले ये वाला शो कर रहा था।
ठीक है। और अगर वीपीएन का ट्रैफिक भी, ये तो खैर वो ट्रैफिक भी इधर शो करेगा जो हम उधर से शो करेंगे, क्योंकि इस ट्रैफिक में कुछ भी आ सकता है। तो ये है, अब ये इसमें क्या है, मेरा पूरा सिस्टम जो है वो एनक्रिप्टेड में है, चाहे मैं इधर से कुछ भी करूं, क्योंकि जो ये मुझे शो करे 00 की कुछ भी हो, इसको वीपीएन पे डाल दो, मैं वीपीएन से कनेक्टेड हूँ 2 मिनट से, ठीक है। और अब ये सारे सर्वर मैं इधर कनेक्ट कर सकता हूँ, अगर मैं डिसकनेक्ट हो जाऊंगा तो ये सर्विसेज मैं जो ये लोकली है ये मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, ये वेब सर्वर है, ये एफटीपी है, डीएनएस है, वेब सर्वर है, कुछ भी है, अब वीपीएन के थ्रू इसको यूज कर सकते हो। अगर मैं इधर वायरशार्क भी ऑन कर दूं तो ये डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो ये बाय द वे दोनों मेथड इम्प्लीमेंटेबल है, मींस कुछ ऑर्गेनाइजेशन एसएसएल को कर लेते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन एनी कनेक्ट को, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, लेकिन मोस्टली आपको एनी कनेक्ट वाला मिलेगा, क्योंकि इसके साथ हम आइस इंटीग्रेटेड करके और वो आपकी सारी चीजें चेक कर लेते हैं, विंडो अपडेट भी, वायरसेस भी, ठीक है, तो उसके थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं इसका ट्रैफिक चेक कर दूं इधर से दोबारा रिफ्रेश करके, और अब मैं इसको लोकली पिंग भी कर सकता हूँ, अगर मैं ट्राई कर दूं 192.0.30, ठीक है, इवन दो मेरी आईपी कुछ और है और मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ। ये है टीएलएस बेस है जो ये डेटा जा रहा है, बल्कि टीएलएस तो नहीं शो करना चाहिए था, मैं वो पिंग कर रहा हूँ तो वो भी क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, मुझे ये शो नहीं कर रहा है कि पिंग है। अगर मैं इसको डिसकनेक्ट कर दूं, ये है, अगर मैं वीपीएन को डिसकनेक्ट कर दूं, डिसकनेक्ट, अब मैं अनइंक्रिप्टेड हो गया। अब देखना मेरा पिंग, क्योंकि ये तो किसी की लोकल आईपी है और मैं इंटरनेट पे बैठा हूं, तो मैं किस तरह इसको एक्सेस कर सकता हूं, ये तो तब मैं कर सकता था जब तक मैं वीपीएन टनल बना के उनका अपना बन गया था, इनका अपना, जिस तरह ये आपस में कर सकते हैं, मैं तो बाहर से बंदा था, इधर तब एक्सेस कर सकता जब मैंने टनल बना दिया इन दोनों के दरमियान, तो मैं लोकल बन गया इनके लिए। अब पिंग भी रुक गया, ठीक है, और अगर मैं अब एफटीपी को एक्सेस करूंगा ये भी एक्सेस नहीं होगा, और न ये वेब सर्वर जो है इनसाइड ये भी एक्सेस नहीं होगा, और मेरा ट्रैफिक भी अगर जा रहा है अगर कैप्चर कर दूं तो अब वो क्या होगा, पिंग ही शो करेगा, वो टीएलएस शो नहीं करेगा, ये आईसीएमपी और फिर पिंग स्टार्ट हो जाएंगे। वो कह रहे कि नहीं 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 भाई, क्योंकि पिंग नहीं जा रहा है, अगर मैं किसी और जगह को पिंग कर दूं तो वो मुझे क्लियर कट बता देगा, इससे पहले वो पिंग भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में मुझे शो कर रहा था। तो अगर मैं किसी और को अब पिंग कर दूं, सपोज 111 को तो कर सकता हूं ना, उससे तो मैं कनेक्टेड हूं, तो ये मुझे अब आईसीएमपी शो कर रहा है, जबकि यही आईसीएमपी था जब मैं वीपीएन से कनेक्ट हो गया तो टीएलएस था, इनक्रिप्टेड फॉर्म में मेरा डेटा ले जा रहा था। यही फायदा है और इस वजह से हम वीपीएन का यूज करते हैं, एक तो हम लोकल बन जाते हैं, लोकल ये इस सेंस में कि जब टनल मैंने इन दोनों के दरमियान बना दिया तो मैं इन रिसोर्सेस को यूज कर सकता हूँ, इवन दो कि ये एक पब्लिक आईपीस भी थे, लेकिन मैं इसको एक्सेस कर पा रहा था, ठीक है। और इनकी जो सारी सर्विसेज थी वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में इधर से इधर आ रहे थे, एक टनल बन गया जो कि एनी कनेक्ट के थ्रू किया था, और इससे पहले हमने वेब ब्राउजर के थ्रू किया था, ठीक है। तो ये थे दो वीपीएन, मैं इसको इधर ही स्टॉप कर लेता हूँ।